सफाई अभियान चला करके ये सिर्फ सरकार ढिकोचले करती है, दिखाती है। सफाई अभियान का मतलब आप समझ में आएगा, आपको देखना कि जब कोई फोटो वगैरह खिंचवाने की बारी होती है ना, तो उसमें ना बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो है कि विधायक, बड़े बड़े जो है कि हमारे पार्षद, बड़े बड़े जो है कि हमारे यहाँ के पूंजीपति लोग झाड़ू हाथ में लेकर के खड़े हो जाते हैं और एक फोटो सेशन होता है, फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं। उसके बाद काम एक्चुअल में जो काम करना होता है जमीनी स्तर पर, वो मेहनत का स्वर्ग है और जो आपके सामने भूख हड़ताल पर बैठा है। G20 आया था, इसमें एक से एक कर्मचारी दिन रात एक करते 24 घंटे ड्यूटी करी है, और एट अ टाइम हमारे पास आ जाता है 15 तारीख को कि आपका ठेका टूट गया, ऑन डैम का ठेका आ गया, तो ऑन डैम का ठेका हम चलने नहीं देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सरकार निगम कमिश्नर समय रहते हमारी मांग डिमांड को पूरा करे, जो ऑन डैम के ठेके उन्होंने एक रात में लागू करे उनको ख़त्म करे, और जो है हमारे भाई 3480 परिवारों को बेरोजगार करने का काम करा है, इन परिवारों को, इन कर्मचारियों को नौकरी देने का काम करे। साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारी द्वारा नगर निगम और हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सफाई कर्मचारियों ने सरकार और गुरुग्राम नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अपनी मांगों को पूरी नहीं होने पर वह भूख हड़ताल पर भी बैठ गई है। वही 25 सितम्बर से 29 सितम्बर तक भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम ने सफाई का काम आउटसोर्स कर दिया है, जिसके चलते 3400 से ज्यादा सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। वहीं हड़ताल पर बैठी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से सफाई कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन वेतन वृद्धि तो दूर की बात, सरकार ने वेतन और ज्यादा घटा दिया। साथ ही गुरुग्राम नगर निगम ने सफाई के लिए वर्क आउटसोर्स करने का टेंडर निकाला है, जिसका विरोध करते हुए सफाई कर्मचारियों ने यह साफ कर दिया है कि 30 सितंबर तक निकाला गया टेंडर रद्द नहीं किया गया तो सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि सरकार और प्रशासन को उनकी मांग को मानना चाहिए, जिससे कि स्थिति आगे खराब ना हो। हालांकि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यह हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी और शहर में सफाई व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाएगी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से इन्हें भूख हड़ताल पर उतरना पड़ा। ये बताएं, पिछले 3 दिनों से आप भूख हड़ताल पर बैठी है, क्या कुछ कारण है इसका? पहले तो मैम आपके चैनल के माध्यम से मैं सर ये बताना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो मेरा नाम है पूजा, मैं इकाई से हूँ, प्रधान हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 8 दिन हो गए हम लोग हड़ताल पे हैं, आज 3रा दिन है कि हमारी भूख हड़ताल है, अभी हमारी भूख हड़ताल 2 दिन और रहेगी, 5 दिन की है। और जब तक ये सरकार हमारी बात मानती नहीं है तो हम हड़ताल पर ही रहेंगे, और अगर ये सरकार हमारी बात मान लेती है जो ऑन डैम का ठेका इसको बिल्कुल रद्द करके इन कर्मचारियों को निगम रोल पर ले लेती है, और जो ये कच्चे कर्मचारी इन्हें पक्का कर देती है। मैडम एक बात है कि भाई जो ये कर्मचारी शुरू में लगते हैं, ये जवान लगते हैं, इनको बेचारों को बुढ़ापा आ जाता, बुढ़ापे तक ये नौकरी करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता, ना तो पक्का किया जाता, ना ठेकेदारी पर्ता खत्म की जाती, ना इनको किसी चीज का ये सरकार बेनिफिट देती है कि अगर ये चले भी जाए इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो इनको कुछ नहीं मिलता, खाली आ जाके बैठ जाते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? बुढ़ापे का एक सहारा भी होता है कि पेंशन बनती है, तो इन्होंने वो पेंशन भी कोई लागू नहीं कर रखी। चलो पक्कों की पेंशन पहले बनाई थी तो इन्होंने वो भी बंद कर दी। इस सरकार के आने के बाद की बात है, ये सरकार आई है और 3-4 हजार कर्मचारी हैं जो अंदर हड़ताल पर बैठे हैं, जिनका बिल्कुल चूल्हा चौका बंद कर दिया गया, इस सरकार ने नौकरियों से निकाल दिया उन्हें, अब वो कहाँ जाए, कहाँ जाए, वो किसका दरवाजा खटखटाए? ये दरवाजा किसी का खटखट, क्योंकि ये सरकार तो निकम्मी हुई पड़ी है। 2024 के चुनाव में क्या पड़ने वाला है? ये सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल जीरो पे है। लोग कहते हैं नहीं सरकार बहुत अच्छी है, बहुत लोगों का नारा होता है ये सरकार अच्छी है, लेकिन हमारे आगे बिल्कुल जीरो सरकार है ये, क्योंकि सरकार का आने का हक तब होता है जब गरीबों की सुनाई करती है, जब गरीब, जब हमारा रोजमर्रा का काम है, तो ये सरकार एक कलम इसकी चलाने की दे रहे, एक कलम से पक्का भी कर सकती है कर्मचारियों को, बस इनकी नीयत ही नहीं है।
अभियान चलाया जाता है, अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, गांधी जी का जन्मदिन आ रहा है, उस पर जो खास कार्यक्रम किया जाता है, सफाई अभियान किया जाता है, और एक तरफ देखा जाए तो आप ये महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठी है और पता नहीं पिछले कितने दिनों से जो है हड़ताल पे बैठी हुई है। सफाई मेरा नाम राम सिंह सारसर, इकाई प्रधान गुरुग्राम। सफाई अभियान चला करके ये सिर्फ सरकार ढिकोचले करती है, दिखाती है। सफाई अभियान का मतलब आप समझ में आएगा, आपको देखना कि जब कोई फोटो वगैरह खिंचवाने की बारी होती है ना, तो उसमें ना बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो है कि विधायक, बड़े बड़े जो है कि हमारे पार्षद, बड़े बड़े जो है कि हमारे यहाँ के पूंजीपति लोग झाड़ू हाथ में लेकर के खड़े हो जाते हैं और एक फोटो सेशन होता है, फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं। उसके बाद काम एक्चुअल में जो काम करना होता है जमीनी स्तर पर, वो मेहनत का स्वर्ग है। और जो आपके सामने भूख हड़ताल पर बैठा है, इनके लिए देने के लिए कुछ नहीं है। बड़े बड़े फंक्शन करने के लिए अरबों खरबों करोड़ों रुपए में ये जो है कि पैसा खर्च कर देती है सरकार। अभी आपने देखा होगा G20 का प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है। इतना पैसा अगर गरीबों के लिए, जो इन्होंने वादे किए थे कि हमारी सत्ता में सरकार आने के बाद हर वर्ग हर आदमी को हम 15 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगे, ऐसा अगर यह सोचते कि हम G20 में इतना पैसा ना खर्च करके इन गरीबों को 15 लाख की जगह 5-5 लाख रुपए ही दे दें ताकि इनका पालन पोषण हो जाए, ये थोड़े से उभर सकें, ये सरकार कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना है और आगे चलना है, पूंजीपतियों को पूंजीपति बनाना है, गरीबों को गरीब बनाना है। तो ये दोहरी ना राजनीति चल रही है, पूंजीपति को और पूंजीपति बनाया जा रहा है और गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। तो मोदी सरकार की ये सोच बहुत ज्यादा छोटी है ये, और हम इनके लिए एक G20 आया था, इसमें एक से एक कर्मचारी दिन रात एक करते 24 घंटे ड्यूटी करी है, और एट अ टाइम हमारे पास आ जाता है 15 तारीख को कि आपका ठेका टूट गया, ऑनडम का ठेका आ गया, तो ऑनडम का ठेका हम चलने नहीं देंगे, 8 से 8 बजा देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो ये हमारे 3480 कर्मचारी अचानक से एक तुगलकी फरमान जारी कर करके उन्हें बेरोजगार कर दिया है, और यहाँ पे जो मैन पावर का ठेका चल रहा था उसको रद्द करके ओएनएम का ठेका कवर ऑर्डर जारी किया है। उसके संदर्भ में नगर पालिका कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है और ये कहना चाह रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि इन तमाम कर्मचारियों को आप विभाग रोल पे करने का काम करें, और अगर आपने ओएनएम का ठेका चलाना है तो बतौर ओएनएम का ठेका आप अपनी साइडों पर चला सकते हैं, उससे हमें किसी तरीके का कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैन पावर के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहा था, जिनकी अपनी मंशाएं थी, जिनकी अपनी उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों पर पानी ना फेरने का काम करे सरकार। अगर सरकार इस तरीके की कर्मचारी हित में काम नहीं करेगी, कर्मचारी विरोधी नीतियां लाएगी, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हमने अल्टीमेटम मात्र 5 दिन का भूख हड़ताल का दिया है, और 30 तारीख से गुड़गावा का तमाम कर्मचारी, सीवरमैन, फायरमैन, सफाई कर्मचारी, जितना भी कैटेगरीज के कर्मचारी हैं हमारे तृतीय और फोर्थ क्लास के, वो सभी कर्मचारी 30 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। और शहर के अंदर जो दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी हमारे शहरवासियों को, हम शहरवासियों से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि वो हमारी मांग डिमांड के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे मंच पर आएं, हम उनका स्वागत करेंगे। और उनसे ये अपील भी करते हैं कि अगर इस तरीके से सरकार और प्रशासन हठधर्मिकता पर लगा रहा, वो अपनी हठधर्मिकता दिखाता रहा, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है। सर ये बताएं सरकार से क्या कुछ मांगे हैं आपकी? नमस्कार, मेरा नाम कैलाश कुमार है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जो इन मजदूर किसानों की मजदूर कर्मचारियों की आपने इनके बारे में इनसे आके मिला, इनकी पूछताछ करी। आज लगातार 8वां दिन होगा हमारे को प्रोग्राम चलाते हुए, धरने करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, हमने अपना मांग पत्र कमिश्नर साहब को भी दे रखा है। उनकी तरफ से क्या आश्वासन आया? अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया, कोई उनकी तरफ से कोई मीटिंग का बुलावा नहीं आया। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सरकार निगम कमिश्नर समय रहते हमारी मांग डिमांड को पूरा करे, जो एंडम के ठेके उन्होंने एक रात में लागू करे उनको खत्म करे, और जो है हमारे भाई 3480 परिवारों को बेरोजगार करने का काम करा है, इन परिवारों को, इन कर्मचारियों को नौकरी देने का काम करे। ये पीछे 3480 महिलाएं पुरुष जितने हैं सब बैठे हैं,
इसमें 3480 जो ठेकेदार के मार्फत काम करते थे वे कर्मचारी हैं और करीबन 3500 निगम रोल पंचायत और पक्के कर्मचारी काम हैं। करीबन 7000 लोगों ने आज यह प्रोग्राम प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम करा है और ये हमारा जो आंदोलन है ये आने वाले समय में और तीव्र होगा। निगम कमिश्नर समय रहते अपने शहर को साफ स्वच्छ रखने का काम करें। शहर हमारा है, हम इस शहर को साफ रखने का काम करते हैं, लेकिन जो 3480 परिवारों को बेरोजगार करने का काम कर रहा है इससे हमारे दिल में बहुत दर्द है। ये शहर हमारा है, हम इसको साफ करने का काम करेंगे। निगम कमिश्नर से बड़ी रिक्वेस्ट करी जाती है, बार बार रिक्वेस्ट करी जाती है कि जो 3480 परिवार अपने बेरोजगार करें इनको रोजगार देने का काम करें। ये बताएं मैडम कितनी परेशानी होती है, महिलाएं हैं आप, घर के तमाम काम होते हैं, उसके बावजूद यहाँ धरना पे आके बैठना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो रहा है मैडम इस टाइम हमारा, ये समझ लो बिल्कुल हम सड़कों पर रोड पे आ गए हैं। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है बिल्कुल डल हो चुका है इस टाइम। हम बिल्कुल इतने परेशान हैं कि किराए के मकानों में रहते हैं, एकदम से हमारे को ठेकेदार ने हटा दिया काम पे से। अब हम यहाँ का अपने सारा दिन सुबह आते हैं शाम को ही जाएंगे जब धरना खत्म होएगा, और जब तक हमारी मांग मुद्दे जो हैं जब तक हमारे ये सुनवाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल खत्म कर दिया इस सरकार ने, इस गुंगी बहरी सरकार ने हमारा मतलब बिल्कुल भविष्य खराब कर दिया। आने वाले टाइम में ये सरकार हमें नहीं चाहिए, ये रंडवों की सरकार है ना जो, ये हमें नहीं चाहिए। इनके बाल बच्चे तो है नहीं, इन्हें क्या पता खर्चा होता क्या, हमें पता ना हमें कैसे अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। और इस नौकरी के पीछे थे हमारा जो कुछ भी था सब कुछ इस नौकरी के पीछे था। अब हम कहाँ जाएं, राशन वाला पैसे मांग रहा, किराएदार मकान खाली करवा रहा, स्कूलों से हमारे बच्चों को निकाल दिया, बताओ हम कहाँ जाएं। अब ये जो बना दिए जो आपने सरकार में जितने भी ये रंडवे बने बैठे इनके बाल बच्चे तो है नहीं, उन्हें क्या पता ये खर्चा चीज़ होती क्या है या परिवार कैसे पाला जाता है। अब हम अपने जब तक हमारे मान मुद्दे पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जी हम, बिल्कुल आर पार की लड़ाएंगे। तो आपने सुना किस प्रकार जो है सफाई कर्मचारी जो है महिलाएं पुरुष जितने भी तमाम आपने बताया 3480 सफाई कर्मचारी है, 3880 तो 3880 सफाई कर्मचारी है जो धरने पे बैठे हैं, उसमें से कुछ भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है ये तब तक नहीं हटेंगे तब तक इनका जो बल है तब तक नहीं हिलेगा जब तक इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं की जाती। बाकी तमाम इस तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद।